माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान जिला अधिकारी जी, जनपद बरेली। ज्ञापन विषय आईएमसी के सरगना मौलाना तौकीर रजा को तत्काल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने की मांग। माननीय महोदय, मौलाना तौकीर जिनकी एक विशेष समुदाय के खिलाफ कथित नफरत भरे भाषण से देशव्यापी विवाद पैदा हो गया है, शहर और प्रदेश में कब हिंसा भड़क जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मौलाना तौकीर रजा और उनके समर्थकों के दिल में आग और नफरत भरी हुई है जो कभी भी हिंसा का रूप ले सकती है, इसलिए मौलाना को गिरफ्तार किया जाए। आईएमसी चीफ मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कोतवाली बरेली में केस दर्ज किया जाए। 9 फरवरी 2024 शुक्रवार को उन्होंने एक प्रेस वार्ता एवं एक सभा में भाषण दिया था, जिसके बाद उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के पूरे पूरे सबूत प्रशासन के पास मौजूद हैं, इसलिए उन पर तत्काल केस दर्ज होना चाहिए। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अगर मुसलमान सड़कों पर गया तो किसी के कब्जे में नहीं आएगा, ये समझ लिया जाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट से भी हमें अब न्याय की उम्मीद नहीं है। मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं, अगर नहीं सुधरे तो आंदोलन होगा, महाभारत होगी। भाषण के दौरान उन्होंने हमारे देश के पीएम मोदी और सीएम योगी व उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। मौलाना की तकरीर और भाषण के बाद ही शहर में कई जगह सांप्रदायिक उन्माद पैदा हो गया। हेट स्पीच केस में जिस तरह से गुजरात पुलिस ने मौलाना सलमान को गिरफ्तार कर कानून की रक्षा की है, बरेली के प्रशासनिक अधिकारियों को भी। मौलाना तौकीर रजा पर धारा 153A, 505, 188 और 114 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराकर उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद श्यामतगंज में जिन उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी की है, उन सभी को फोटो वीडियो के माध्यम से चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उन सभी की 7 पीढ़ियों तक वोट डालने से लेकर सभी सरकारी सुविधा बंद की जाए। उपरोक्त आरोपों के लिए दोषी मौलाना तौकीर रजा पर शिवसेना तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग करती है। यदि कार्रवाई नहीं की जाएगी तो शिवसेना धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। कार्यक्रम में उपस्थित रहे अनिल मिश्रा जी प्रदेश सचिव, दीपक पाठक जी जिला प्रमुख, धनपाल जी महानगर प्रमुख, सुरेश कुमार जी कैंट विधानसभा प्रभारी, मिथुन चौधरी जी महानगर प्रमुख, नवीन सक्सेना जी जिला सचिव, विश्व प्रताप सिंह जी जिला उपाध्यक्ष, प्रदीप गंगवार जी जिला सचिव, देवांश जिला उपाध्यक्ष, सोनू सिंह जिला सचिव, दीपक सिंह, शिवम, विक्की, संजय चंद्र, अनिल मुनि, देवदत्त, जिसमें बहुत से शिव सैनिक साथी उपस्थित थे। मेरा नाम दीपक पाठक है और मैं शिवसेना आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की बरेली इकाई का जिला प्रमुख हूँ। क्या मामला है जिला प्रमुख? मामला ये है कि अभी 9 तारीख को शुक्रवार के दिन मुसलमानों के रहनुमा कहने वाले मौलाना तौकीर रजा खां के द्वारा शिवसेना बजरंग दल को लेकर के टिप्पणी की गई और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी महाराज के बारे में उन्होंने उल्टे और अपशब्द कहे और उन्होंने कहा है कि मुसलमान किसी से डरेगा नहीं और मुसलमान किसी चीज़ को नहीं मानता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर आपको भारत से और भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास ही नहीं है। जब बाबरी वाला और मंदिर वाला जब वो आया फैसला, तब हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने स्वागत किया। तो यदि आप भारत के नागरिक हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत का कानून आपको मानना पड़ेगा। और अब आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, तो बुलडोजर एक न्याय व्यवस्था के तहत चल रहा है, चाहे वो उत्तरांचल में हो चाहे यूपी में हो। और हम दोनों सरकारों से शिवसेना ये मांग करती है कि निरंतर जिहादियों पर बुलडोजर चलाइए। और तौकीर रजा खां का कहना है कि मुसलमान बिगड़ गया तो किसी से संभलेगा नहीं, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, तो ये बात ना भूलें कि यहाँ पर भी रानी लक्ष्मीबाई और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। जब अपनी पे आएंगे और अगर उनको इतना गुरूर है तो एक टाइम और एक दिन निश्चित करें, तब सनातनी भी उनको उनकी ताकत का एहसास कराएंगे और बताएंगे कि सनातनी कहीं पर कमजोर नहीं है। इसलिए उनसे निवेदन है कि कोई भी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें जिससे हमारे देश और हमारे प्रदेश और हमारे बरेली शहर का माहौल खराब हो। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें, उसको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उस पर जो है जो भी खुरापाती तत्व है उन सब पर कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई हो और उनकी सारी सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएं और 7 पीढ़ी तक
चाहे वो उनके ससुराल पक्ष से हो चाहे किसी भी पक्ष से हो, 60 पीढ़ियों तक वोट डालने का अधिकार यदि समाप्त कर दिया जाए तो ये पत्थर फेंकने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी शांत होकर बैठ जाएंगे।